दोस्तों नेस्मा एंड पार्टनर कंपनी 1981 में बना था और इसका हेड ऑफिस दमाम के अल खोबर में है। और ये पाइपलाइन का काम करती है, कंस्ट्रक्शन लाइन का काम करती है। बहुत ही अच्छी कंपनी है और बहुत बड़ी कंपनी है दोस्तों। क्या आप भी सऊदी अरब की नेस्मा कंपनी में जा रहे हो या जाने के बारे में सोच रहे हो तो ये आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाले, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा सऊदी अरब की नेस्मा एंड पार्टनर कंपनी के बारे में। नेस्मा कंपनी में आपको सैलरी कितनी मिलती है, आपको ओवर टाइम कितना मिलता है, आपको रूम कैसा मिलता है, आपको खाना कैसा मिलता है, सारी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको दूंगा। तो अगर आप भी सऊदी अरब की नेस्मा कंपनी में जा रहे हो या जाने के बारे में सोच रहे हो तो इस वीडियो को ध्यान से देखना और एंड तक देखना, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों अक्सर होता क्या, किसी कंपनी की वैकेंसी आती है और हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे सवाल आते हैं कि कंपनी कैसी होगी, टाइम पर सैलरी देती है या नहीं देती है, खाना कैसा होगा, रूम कैसे होंगे, बहुत सारे हमारे मन में सवाल आते हैं। आपके इन्हीं सब सवालों का जवाब देते हुए मैं आपको बताऊंगा सऊदी अरब की नेस्मा एंड पार्टनर कंपनी कैसी है। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो और आपको मैं बताता हूँ सऊदी अरब की नेस्मा एंड पार्टनर कंपनी के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर मैं हर रोज़ नई नई कंपनियों के बारे में जानकारी लेकर आता रहता हूँ। और जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो और आपको मैं बताता हूँ सऊदी अरब की नेस्मा एंड पार्टनर कंपनी। दोस्तों नेस्मा एंड पार्टनर कंपनी 1981 में बना था और इसका हेड ऑफिस दमाम के अल खोबर में है। और ये पाइपलाइन का काम करती है, कंस्ट्रक्शन लाइन का काम करती है। बहुत ही अच्छी कंपनी है और बहुत बड़ी कंपनी है दोस्तों। नेस्मा एंड पार्टनर कंपनी में मेरा भाई भी काम करता है, उससे मेरी फ़ोन पर बातचीत हुई थी तो मैंने उससे पूछा था कि भाई आपकी कंपनी में कोई नया बंदा आता है तो उसकी कितनी सैलरी लगती है, उसको कैसा खाना मिलता है, उसको कितना ओवर टाइम मिलता है, उसको कैसा रूम मिलता है। तो जो जानकारी उसने दी वो जानकारी आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों उसने बताया था कि हमारी कंपनी में कोई नया बंदा आता है, जैसे मेसन है, स्टील फिक्सर है, कारपेंटर है, प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है, इनकी सैलरी 8 घंटे की लगती है 1000+ फूड, और ड्राइवर और ऑपरेटर की सैलरी लगती है 8 घंटे की 1100+फूड। और दोस्तों इसमें आपको कंपलसरी 2 घंटे ओवर टाइम मिलता रहता है। और दोस्तों इस कंपनी की सैलरी थोड़ी कम है लेकिन इसकी फैसिलिटी बहुत अच्छी है। और दोस्तों जिस कंपनी में फैसिलिटी अच्छी मिलती है उसमें हमारे 2 साल अच्छे से कट जाते हैं। और दोस्तों इसमें मेडिकल और इंश्योरेंस भी कंपनी का रहता है। दोस्तों नेस्मा एंड पार्टनर कंपनी में कोई नया बंदा आता है तो उसका 2 साल का एग्रीमेंट होता है, 2 साल बाद में आपको छुट्टी मिलती है, 2 साल बाद में आपको 42 दिन की लिव इन सैलरी मिलती है, साथ में आपको बोनस मिलता है, साथ में आपको आने जाने की टिकट मिलती है और आपको 2-3 महीने की छुट्टी मिल जाती है। और दोस्तों इन फ्यूचर आपको कभी मौका मिले नेस्मा एंड पार्टनर कंपनी में आने का तो आप बेफिक्र होकर आ सकते हो, ये बहुत ही अच्छी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है। और दोस्तों मेरा वीडियो बनाने का मकसद एक ही रहता है कि मेरा कोई भी भाई इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल से अगर विदेश आता है तो अच्छी कंपनी में आए, अच्छी सैलरी पर आए, मेरा मकसद यही रहता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको सऊदी अरब की नेस्मा एंड पार्टनर कंपनी के बारे में बताया। बहुत ही अच्छी कंपनी है, इस कंपनी के इंटरव्यू आपके आसपास कहीं चलती हो तो इसमें आप बेधड़क आ सकते हो। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और गल्फ की किसी भी कंपनी के बारे में जानकारी चाहते हैं तो कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।